सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। तो देश में जन औषधि केंद्र की तरफ जनता का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इन केंद्रों पर सभी दवाइयां बहुत कम कीमत में उपलब्ध हैं। इस योजना से देश के करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कुल मिलाकर ये योजना गरीबों की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित हो चुकी है। इसी कड़ी में लखनऊ में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देवा रोड मटियारी में जन औषधि केंद्र में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस फ्री हेल्थ कैंप का उद्घाटन लखनऊ बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष अरविंद कुमार यादव ने किया। आपको बता दें कि इस औषधि केंद्र के संचालक डॉक्टर आलोक कुमार और अमित कुमार यादव द्वारा राजधानी लखनऊ में 3 अलग अलग जगहों पर भी जनता के लिए जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। वहां पर भी समय समय पर फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन होता रहता है। इस हेल्थ चेकअप कैंप में डॉक्टर हरिओम, डॉक्टर मोनिका और डॉक्टर आलोक द्वारा लोगों का फ्री हेल्थ चेकअप किया गया है। मैं आलोक कुमार, जन औषधि केंद्र संचालक एवं फार्मासिस्ट, जन औषधि परियोजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक दवाइयों की श्रृंखला है, जिसमें माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जनता को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। इस परियोजना का उद्देश्य हर गरीब जो भी महंगी दवाइयां बाज़ार से नहीं ले सकते, उनके लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हर गरीब का इलाज हो, कोई भी दवाई के अभाव में परेशान ना हो, बीमारी में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और मेरा उद्देश्य इस योजना से जुड़ने का ये रहा कि मैं अपने माध्यम से दवाइयों की आपूर्ति जन जन तक पहुंचानी एवं सरकार की जो मंशा है हर गरीब का इलाज हो, आयुष्मान हो भारत, स्वस्थ समाज हो। इस क्रम में सर्वप्रथम तो मैं इस योजना से लोगों की एक मदद कर पा रहा हूं और अपने माध्यम से हमारी टीम यहां पे मौजूद है, सभी का संयोग है, सभी का धन्यवाद है कि यह योजना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और इस तरह मेरे अभी अलग अलग ज़िलों में मेरे 4 सेंटर चल रहे हैं, जहाँ पे बहुत ही सस्ती दरों पे दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। और इस तरह मेरा यह जो मेन मुख्य उद्देश्य मेरा रहा है कि मैं सेवा और रोज़गार दोनों प्राप्त कर रहा हूँ इस योजना से और लोगों की मदद कर पा रहा रावत है। और यहाँ पर जब कोई भी पेशेंट दवा लेने के लिए आता है तो सबसे पहले हम उसकी एज पूछते हैं, क्या बीमारी है वो पूछते हैं, कितने दिन से है, उसके बाद हम उसे प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन को। और दवाइयाँ जो हैं आपके यहाँ वो कितनी सस्ती और महंगी हैं मार्केट के अकॉर्डिंग? 85-90% है। अच्छा जी, हाँ ठीक है। तो मतलब भीड़ होती है आपके जन औषधि के? जी हाँ। और लोगों को फ़ायदा होता है यहाँ की दवा से? बिल्कुल फ़ायदा होता है, वो आते हैं और पूछते हैं हमसे कि ये दवा मिल जाएगी, देते हैं, हम उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहती है हमारी कि हर एक मेडिसिन उन्हें अवेलेबल हो कम दाम में। फरीदाबाद जन औषधि केंद्र का संचालक हूँ। जैसा कि हमने देखा है, लोगों को सस्ती दवाओं की ज़रूरत है, लोग वहाँ पर आते हैं, हम लोग फार्मूला के अनुसार उनको दवाएँ मुहैया कराते हैं। जो दवाएँ उनको बाहर 100 रुपये में मिलती थी, हमारे यहाँ 20-25 रुपये में उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे पेशेंट को बहुत ही फ़ायदा मिलता है और उनके धन में बचत होती है। मेरे मित्र हैं अमित यादव जी, जो कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चला रहे हैं। मैं भी प्राइवेट फार्मेसी चलाता हूँ, देखता हूँ कि जो सुविधाएँ प्रधानमंत्री द्वारा दी गई है, इतनी सस्ती दवा, इतनी अच्छी रिस्पांस, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम पैसे में लोगों को मदद कर रहे हैं और जो लोग दवा नहीं खरीद पा रहे महंगी दवाई, वो सस्ती सस्ती दवा यहाँ पर उपलब्ध है, तो अच्छा रिस्पांस है, बढ़िया है।
मैं द्रविड़ यादव, मैं यहाँ पे स्टाफ हूँ जन औषधि में। प्रधानमंत्री के तरफ से यहाँ जो सेंटर खोला गया है, गरीब की बहुत सपोर्ट हो रहा है इस सेंटर से, और कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जो दवा की वजह से उसकी बीमारी या उसके बीमारी में कोई प्रॉब्लम आए। और यहाँ पे जो जन औषधि केंद्र है बहुत जल्दी से ग्रोथ कर रही है, बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल तक जा रही है। हमारे लखनऊ में यहाँ 100 से ज़्यादा कई सेंटर खुले हैं, और अदर ज़िले में भी खुले हैं, प्रयागराज में भी खुले हैं, बनारस में भी खुले हैं, बहुत ज़्यादा सेंटर हैं यहाँ पे। और यहाँ मतलब कि दवा सस्ते से सस्ते मिलते हैं, 90% से 80% की दवा यहाँ छूट दी जाती है, सस्ती दी जाती है। हमारा नाम मोहित यादव है, और जन औषधि केंद्र पर बहुत ही सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। जैसे कि कोई पेशेंट आता है हमारे पास, तो हम उसको बहुत ही अच्छे से मोटिवेट करते हैं कि जैसे दवा बाहर से आप ले रहे हैं, यहाँ पर आपको कम रेट में मिल जाएगी दवा, वही फॉर्मूले सेम फॉर्मूले की दवा आपको कम रेट में मिल जाएगी। इससे आपकी आपका पैसा भी बचेगा आपका, और जो है अदर दवा भी ले सकते हैं, और घर का खर्चा भी चल सकता है आपका। चलिए, हम लोग जो कभी के पेशेंट आते हैं जन औषधि केंद्र पे, उनको अकॉर्डिंग टू दवाई सारी दवाइयाँ उनको मिलती हैं, और बहुत से पेशेंट जो दवाई नहीं पाते हैं फिर भी उनका मोबाइल नंबर डिटेल लिख के उनको फ़ोन करके बताया कि आपकी दवाई आ गई है, तो वो अपना आके दवाई ले लेते हैं। और यहाँ पे बहुत से सेंटर खुले हुए हैं लखनऊ में, आपके 100 के आसपास सेंटर हो चुके हैं। जो भी कस्टमर है अच्छे से दवाई लेता है, अच्छे से बिहेव करता है, कोई किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। जन औषधि केंद्र, मैं अमित कुमार यादव, फार्मासिस्ट, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालक। जो कि ये जब से मैंने सेंटर यहाँ पर डाला है, बहुत ऐसे ऐसे लोग आए, बहुत ऐसे गरीब लोग आए जो दवा के अभाव में दवा ही नहीं करा पा रहे थे। जब से ये सेंटर मैंने खोला यहाँ पे, ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं कि जो दवाएं यहाँ ले जाने के बाद इतनी जो है समस्याओं से जूझ रहे थे कि बाहर की दवा एक दो दिन की ही खरीद पा रहे थे। जब से ये सेंटर खोले गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो जन औषधि केंद्र का शुभारम्भ किया है, तब से लोगों को दवा के अभाव में वो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही उनको, उनसे बहुत ही कम रेटों में, जैसे कि बाहर 100 रुपये की जो दवा है, यहाँ वो 10 रुपये की दवा है, वो आराम से खरीद पा रहे हैं, और उनका दवा के उससे कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो दवा खा रहे हैं, स्वस्थ हैं एकदम। इसी तरह से काफ़ी प्रयास रहा हम लोगों का कि इसको और बढ़ाया जाए, तो हम लोगों ने कई सेंटर डाले हैं। असल में वो जो सब सारे सेंटर हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में ही हैं, तो वहाँ लोगों को दवा से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। दवाएं वो जो बाहर दवाएं जैसी होती हैं प्राइवेट वाली, वही दवाएं यहाँ भी आती हैं, वो सब दवाएं एकदम गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट ने इसे बहुत ही अच्छे मानक पे बनाया है, और अच्छे रेट में दिए गरीबों को दवाएं दी जाती हैं। यही उद्देश्य है इसको चलाने का कि गरीब को दवा मिले और स्वस्थ रहें। खबर चंदौली से है, जहां डीएम निखिल टी फुंडे ने ब्लॉक का हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया है। बता दें कि ब्लॉक परिसर में स्थित कंट्रोल रूम के संचालन में कई गड़बड़ियां भी पाई गई हैं। ब्लॉक परिसर में स्थित बीज गोदाम में गंदगी देखकर डीएम भड़क उठे और तत्काल साफ सफाई करने के दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का रजिस्टर मेंटेन नहीं मिला, जिसको लेकर भी डीएम ने नाराजगी दिखाई। वही डीएम ने 15 दिन के अंदर सभी कर्मियों को काम पूरा करने के दिशा निर्देश दिए हैं। कमियां इसी प्रकार की हैं कि स्टॉक रजिस्टर जैसे मेंटेन नहीं है पीएचसी में, या हमारा जो कंट्रोल रूम है ब्लॉक में वो सही से संचालित नहीं है, तो इस प्रकार की कमियां हैं। जो बीज गोदाम है उसमें थोड़ी साफ़ सफाई की आवश्यकता है, थोड़े मेंटेनेंस की आवश्यकता है, तो इसको समय दिया है इन लोगों को 10 से 15 दिन अलग अलग चीज़ों के, उसमें हम प्रयास करेंगे कि ये कमियाँ पाई गई है इसको पूरा करें। गाजियाबाद में बेहद संवेदनशील और विवादों में रहने वाला शिव शक्ति धाम मंदिर एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। एक नाबालिग किशोरी स्कूल ड्रेस में विशेष समुदाय के लड़के को लेकर मंदिर में जाने की कोशिश कर रही थी, इसी दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। जानकारी मिली है कि लड़का बुलंदशहर का रहने वाला है। मंदिर समिति के लोगों के मुताबिक यह मंदिर बेहद संवेदनशील है, यहाँ एक बार साधु पर हमला भी हो चुका है। इसके अलावा ताजा मामले को लेकर मंदिर के सेवादार ने बताया कि मंदिर में विशेष समुदाय के लोगों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। दासना में
सुरक्षा कर्मियों द्वारा चेकिंग फ्रिस्किंग के बाद मंदिर में जाने की व्यवस्था निर्धारित है। आज दाशना की रहने वाली दो नाबालिग छात्राएं और एक 22 वर्षीय युवक एक आई कार्ड से मंदिर में प्रवेश करने हेतु आए थे। दो अन्य के पास आई कार्ड न होने से सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें मंदिर में जाने से रोक दिया गया। पूछताछ कर आगे की अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सुबह लगभग 10:30 बजे बिल्कुल केरल स्टोरी जो आजकल एक फिल्म चल रही है उसी की स्टाइल में एक हिंदू लड़की ने अपने आधार कार्ड से उन दोनों की एंट्री कराई। एक मुस्लिम लड़का है और एक मुस्लिम लड़की। ये 100% सच बात है कि वो मंदिर में और महाराज जी की रैकी करने आए थे और मंदिर में उस टाइम पे गुरु जी मंदिर में ही थे नरसिंहानंद जी महाराज। उन्होंने मंदिर में आकर रैकी शुरू कर दी। वो सीधे रास्ते से ना आकर दूसरे रास्ते से मंदिर में घूम रहे थे तभी मंदिर के सेवादारों ने उन्हें पकड़ लिया। हर बार कई बार मंदिर में जिहादी घुस चुके हैं लेकिन किसी भी बार आज तक पुलिस की जांच में आतंकी नहीं आ पाए ना ही ये जिहादी आ पाए। अब की बार भी हर बार की तरह मंदिर के सेवादारों ने उन्हें पकड़ा और पकड़ने के बाद में पुलिस ने को उन्हें सौंप दिया। मैं इस बात से स्पष्ट करना चाहता हूं कि पूरे दुनिया में केवल केरला में नहीं पूरी दुनिया में जिहाद चला हुआ है वो यही स्टाइल है कि हिंदू लड़की को पहले फंसा। हरदोई में बिलग्राम इलाके में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि आग से 5 घरों की गृहस्थी जलकर राख हो गई। जिसकी सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। जब तक आग बुझाई गई तब तक 5 लाख रुपए का नुकसान तक हो चुका था। खबर कासगंज से है जहां नींद की झपकी आने के कारण पेड़ से कार टकरा गई। बता दें कि पिता सहित 2 बेटों की मौके पर मौत हो गई। वहीं पत्नी और एक बेटे की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचवाया और ये पूरा मामला ढोलना कोतवाली क्षेत्र के नगला खंगार के पास का है। आज दिनांक 16/17/2023 की रात्रि में थाना क्षेत्र ढोलना में लगभग 1 बजे सड़क के किनारे पेड़ से स्विफ्ट कार के टकरा जाने की दुर्घटना की जानकारी हुई। जो पूरी जानकारी मिली कि जफीर अहमद दिल्ली से कासगंज अपने परिवार के साथ आ रहे थे। इस दुर्घटना में उस समय 5 लोग घायल हुए। 5 में से 3 की मृत्यु हो गई है। जफीर अहमद की पत्नी और उनका एक बेटा वो भी गंभीर रूप से घायल है जो वर्तमान में अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज में इलाजरत है। जानकारी मिलने के बाद सारी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मृतकों का पंचनामा आदि की कार्रवाई प्रचलित है। कुशीनगर के कसिया तहसील के अमरपुर नौका पचरा के शिव मंदिर स्थित श्री 108 रुद्र महायज्ञ का आयोजन आरंभ हुआ है। यज्ञाचार्य शिवजी के देखरेख में भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इसके साथ ही नदी पर पूजा अर्चना कर जल भी भरा गया। इस कलश यात्रा में आसपास के सभी गांवों की महिलाएं बच्चे बुजुर्ग और नौजवान भी मौजूद रहे। अरे हाँ, आज तक कभी यज्ञ नहीं हुआ है और पहली शुरुआत हम लोग यज्ञ की है। कैसा लग रहा है इस यज्ञ का आयोजन करके? आयोजन बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों के भाव को हमने देखा। लोग जो है भक्तिमय भाव से जो है इस चिलचिलाती हुई धूप में, आपने देखा होगा कि धूप बहुत तेज है। पैर जो है नंगे पैर की यहाँ की हमारी माताएं बहने जो कन्याएं हैं नंगे पैर चल रही हैं। नीचे जमीन जो है एकदम तवे के समान जो है आग के समान जल रही है लेकिन फिर भी इसमें जो है भगवान के नाम का जयकारा लगाते हुए बहुत ही तन मन धन से भक्तिमय स्वरूप में जो है इन लोगों ने बहुत किया। मुझे यह देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई और पूरे क्षेत्र के लोग भी इसको देख करके बहुत सराहना कर रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सभी अधिकारियों को निर्देश देते रहते हैं कि कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार ना होने पाए और भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए, लेकिन अगर वही बात की जाए रायबरेली जनपद के खीरो विकास खंड के अंतर्गत देवगांव ग्राम सभा की, तो ग्राम प्रधान अशोक कुमार द्वारा मुख्यमंत्री आवास लाभार्थी से 10,000 की डिमांड की गई है, जिस पर ऑडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
नाम सरोज है, हमारा पति का नाम है पुरुषोत्तम कुमार, हम देव गांव के रहने वाले हैं। कैसे? और हम हमारे हमको कॉलोनी पास हुई थी तो प्रधान जी ने पैसे मांग रहे थे, हम सर गरीब आदमी हैं तो हम कहाँ से पैसे इनको दें, रोज़ रोज डिमांड करते हैं कि हमको पैसा दो पैसा दो, हम कहाँ चलाएँ, 40,000 रुपया आया है तो उसमें हम बनवाएं कि इनको दें पैसा। कितना पैसा मांग रहे हैं? 10,000। कौन प्रधान? अशोक प्रधान, वो हमको धमकी भी दी गई थी। क्या कह रहे हैं? बोल रहे थे कि अगर पैसे नहीं देंगे तो हम आपका आवास मुकवा देंगे और आपके जो घर में कोई कार्य होगा तो उसको भी नहीं आने देंगे। तुम ऐसे कैसे जानेंगे जिन्ना मिल हमका? अरे हम लगभग 2 साल से प्रधानी कही रहे, समझो ना, एक पहले रहन हमका पता है, जैसे कहीं तो ना मिले है तो हम दूसर व्यवस्था करी अपन, मतलब जो है अपने लगे तो दे दूसर व्यवस्था क्या है करी, हमको तो देख पड़ी हम बात आ रहे नहीं, आओ जो हमका करावे वो करी है ना हमारी। अरे करावे का, तुम काम कराओ, कही दो कि अगली किस्त आई वही लग नहीं नहीं अगली नहीं नहीं मानक पे यार ना यही अब यही देना। देखो रोहित उनके पूरे पैसा दे देना, 10 पहली किस्त में 10,000 रुपया दे देना, आजो दिन तक का काम नहीं बस। नहीं सुनो तो जब तुमका कहा लागे कि नहीं हमारे किस्त रुक गए है तो हम तो तुरंत वापस ले वही लग गए को दे दे को नहीं दे। हम दे अब अशोक प्रधान और हम 10 मांग नहीं रहे 5 कही रहे। बहुत बहुत तो मान ले कि नहीं हम अपने पास से जमा कर दीजिए। तुम जमा करो जमा करो, तुम हम अगले किस्त में तुम लो 10,000 अगली किस्त का नाम ना लो, हम ये मान के चलो कि हमका ना मिली है, या तो बताइबे ना करो, ये हम सब हाथ बहुत दूसरे बहुत हम खुदे दिन भर यह काम तो है, जब हम ना दे तब का है ना। चलो ठीक लगभग जितने आओ घर में हुई है वो तो हम हुए दिया बना तुम्हारे घर के, ठीक है ना, चलो काट का ना हो दे मतलब आओ जाऊँ हुए है ना मालिम बूढ़ा उड़ा हुई है ये थोड़े हुए दिया, जब पहली नौटंकी तुम कह दिन और तो हो ही जाए। शाहजहांपुर में ओमर वैश्य महिला परिषद के द्वारा महानगर के प्रथम महापौर अर्चना वर्मा का अखिल भारतीय ओमर और ओमर वैश्य महिला परिषद की राष्ट्रीय आंचलिक मंत्री के साथ ही महानगर की अध्यक्षा सोनिया गुप्ता के आवास पर भव्य स्वागत और सम्मान किया गया है। परिषद के पदाधिकारियों द्वारा अर्चना वर्मा को पगड़ी स्टॉल फूल माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। इस मौके पर परिषद की अध्यक्षा सोनिया गुप्ता ने कहा, हमारे पूरे ओमर वैश्य समाज ने अपने शत प्रतिशत मत देकर अर्चना वर्मा को भारी बहुमत से विजय बनाए हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि अर्चना वर्मा उनके ओमर वैश्य समाज के सभी प्रकार के सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़ी रहेंगी। खबर सुल्तानपुर से है जहां डॉक्टर की लापरवाही से एक मरीज की मौत हो गई। मौत से नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया, वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर मुकदमा लिखकर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला कहीं शांत हुआ है। ये है कि ये मेरे ससुर हैं, कल से हम इनको एडमिट किए हैं, इनकी तबीयत खराब है, बोले फेफड़े में पानी है, पानी निकालना है तो निकालने की बजाय बॉटल चढ़ा रहे हैं। उस रात में जब उनको बोला गया तो बॉटल में से फिर आधा पानी निकाले, उसके बाद सुबह इनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे घर वाले आए, मेरा देवर, मेरे अब्बू, बोले कि मेरे पेशेंट की तबीयत ख़राब है, आधे घंटे से बार बार डॉक्टर को बुलाया जा रहा है, बार बार बुलाया जा रहा है, आ नहीं रहे हैं, बोले OTP में है, OTP में, फिर बुलाया गया तो आया तो बोला आपका पेशेंट नहीं है। तो देवर मेरे बोले ऐसे कैसे नहीं है, इतने देर से मैं आपको बुला रहा हूँ, आपको आना चाहिए, बस इतना बोलते ही मेरे देवर को एक तमाचा खींच के मारा। किसने मारा? डॉक्टर ने मारा। कौन डॉक्टर थे? डॉक्टर सादिक अली। अच्छा। तो वो मेरे देवर को मारा, तो अब्बू बोले मेरे कि काहे मार रहे हो आप, बस इतना कहना था, तो अब्बू को भी मारा और बॉटल फेंक के मारा और गाली भी दिया और बॉटल वहाँ बेड के पास पड़ी है। मरीज का क्या नाम था और क्या बीमारी थी? मरीज का नाम है मोहम्मद अयूब खान।
खबर बदायूं से है, जहां समूह की महिलाओं ने बैंक मैनेजर पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर बीते दिन समूह की महिलाओं ने पुलिस चौकी पर बैंक मैनेजर के खिलाफ लिखित तहरीर दी थी और गिरफ्तारी की मांग की थी। आपको बता दें कि यह पूरा मामला थाना अलापुर क्षेत्र के कस्बा म्याऊ की प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का है। यहाँ पर समूह की महिलाओं से बैंक मैनेजर ने अश्लील हरकत कर दी थी, जिसको लेकर समूह की सभी महिलाओं ने पुलिस चौकी पर पहुंचकर लिखित शिकायत की थी और बैंक मैनेजर की गिरफ्तारी नहीं हुई तो महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। आप कितनी देर से बैठी हुई हैं? अच्छा, कोई उच्च अधिकारी वगैरह आया, आपकी बात सुनी? नहीं, कोई नहीं आया, और ना कोई सुन रहा है, पुलिस वाले हैं, वो भी खाली आवाज में बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं सुना। अब आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं मैनेजर को हमारे सामने लाया जाए या कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं इस ब्लॉक की वैसे मैनेजर हूँ, लेकिन मेरे पास कल फोन गया था, मेरी बैंक सखी है उसके साथ में मैनेजर साहब ने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, जिस कारण मैं वहाँ गई। मैंने जाकर के मैनेजर साहब से पूछा भी कि क्या बात है, क्या रीजन है, किस वजह से आपने इस तरीके से बात की, तो उन्होंने हमारे सामने भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया और ये कहा बैंक से निकलो, इस तरीके से बात की गई थी, तो हम इनके सपोर्ट में खड़े हैं। जब महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है, रोज रोज महिलाएं आती हैं, एक दिन की बात नहीं है, हर बार जाते हैं, रोके चुप हो जाती है, हम लोग स्टाफ की वजह से चुप करा देते हैं। प्रयागराज में उतराव थाना क्षेत्र के आरा कला गांव में जमीनी विवाद को लेकर ग्राम प्रधान समेत दबंगों ने महिलाओं की जमकर पिटाई कर दी। लहूलुहान महिलाएं थाने पर पहुंचकर प्रधान समेत अन्य के खिलाफ तहरीर देती हुई भी दिखाई दी और पुलिस ने मारपीट समेत अन्य संगीन धाराओं में अब मुकदमा भी दर्ज करते हुए घायल महिलाओं को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया है। खबर हरदोई से है, जहां शहर कोतवाली इलाके में एक मारपीट का वीडियो फिर से वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक बैट से लोगों को मारते हुए दिखाई पड़ रहा है और पीड़ित ने पुलिस पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बताते चले कि शहर कोतवाली क्षेत्र के सराय थोक मोमिनाबाद निवासी ने पुलिस को तहरीर दी है। टेम्पुरे मामले में टेंट लगाने को लेकर संचालक और कार्यक्रम कराने के बीच विवाद हुआ है और तहरीर मिलने के बाद पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि ये थाना कोतवाली के चौकी सदर का प्रकरण है, जिसमें एक शादी में दावत के दौरान खाने की बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, मारपीट घटना घटित हुई है। उपरोक्त प्रकरण में थाना स्थानीय स्तर से जांच एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव में देर रात युवक की हो रही दूसरी शादी को रुकवाने के लिए उसकी पहली पत्नी कार्यक्रम स्थल पहुंची। गेस्ट हाउस में पुलिस फोर्स के साथ पत्नी के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। बताते चले कि साल 2021 में महिला की आवास विकास स्थित इमरान के साथ शादी की गई थी। पुलिस दोनों पक्षों को लेकर कोतवाली पहुंची तो ये पूरा मामला उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के गेस्ट हाउस का है। हमारे चेयरमैन दूसरी शादी कर ली है, इस वजह से आए, लड़की पद को हम जाके स्वयं खुद बता के आते, वो सब जान के कर दिए है शादी, कागज जाके सब कुछ दिखा दिया, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ, सुबह से चक्कर काटे लेकिन कहीं इंसाफ नहीं मिला। आज बता रहे हैं कि जो है हमारी लड़की चार दिन पहले निकाह हो गया था, कार्ड छपे चार दिन पहले काय कर दिया, ये हाजी नसीम ये सब करवाई, असली मुजरिम यही है। सब कहीं गए थे पुलिस के पास, एक हफ्ता किसके पास निकल, सबके पास गए थे, इनके पास पैसा ज्यादा है ना, इनका एरिया ज्यादा है, सबके पापा गया थे, सही थाना में चक्कर करके वो एड़ी घिस गई है। बाराबंकी के रामनगर थाने के पुलिस गश्त की रात्रि दावों की पोल खुल गई है। बताते चले कि पहले फौजी के घर, फिर पूर्व जिला पंचायत सदस्य शिक्षक के घर में चोरी हुई। हद तो तब पार हुई कि जब एक ही रात में दो घरों में हुई चोरी की घटनाओं को पुलिस को खबर तक नहीं लगी। चोरों ने नकदी समेत लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर लिए और रफू चक्कर तक हो गए, लेकिन हैरानी की बात तो ये रही कि पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी तक नहीं लग पाई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।